रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश एंड प्रोक्योर टू पे, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं। बट कौन सी प्रोफाइल आपके स्किल सेट, आपकी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट रहेगी, और अगर एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी नॉलेज पर आपको फोकस करना है और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो आइए इसी को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन अमंग रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश एंड प्रोक्योर टू पे, जिसमें सबसे पहले हम ईच प्रोफाइल का मीनिंग को समझेंगे कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, रिक्वायरमेंट और स्किल्स क्या है, कैसे प्रोफाइल में स्विच करते हैं कॉमन वर्सेज नॉन कॉमन एलिमेंट्स के थ्रू, क्या क्या स्टेजेस होती है जॉब रोल और रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, और प्रोफाइल की वेटेज कैसे डिसाइड करें, तो ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हर एक प्रोफाइल का मीनिंग, कब एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है। ऑर्डर टू कैश, इस टर्म को समझे, ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर देता है कस्टमर, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑर्डर रिसीव करने से, कस्टमर ऑर्डर देता है और रिसीव करते हैं, और एंड होता है जब कलेक्शन ऑफ कैश हो जाता है, जब अल्टीमेटली कस्टमर से कैश रिसीव हो जाता है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, जो भी गुड्स आपने डिलीवर करा, और अल्टीमेटली जब कैश रिसीव होता है तो ये प्रोसेस एंड हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्डर टू कैश। अब बात करते हैं प्रोक्योर टू पे। देखिए प्रोक्योर और परचेज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, प्रोक्योरमेंट होता है कि परचेज के साथ साथ परचेज की प्लानिंग करना, तो इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट होता है परचेज की प्लानिंग के साथ, जिसमें व्हाट, क्या, कहां से, किस तरीके से और किससे परचेज करना है इसको डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग के बाद परचेज किया जाता है, और एंड कब होता है, जब आप पेमेंट कर देते हैं परचेज की, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रोक्योर टू पे। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, देखिए रिपोर्टिंग करने के लिए आपको रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा से, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से, और एंड कब होता है, एंड ये होता है कि जो भी रिपोर्ट्स आपने बनानी थी उसको बना लिया, उसको आप सेंड कर देते हैं जो भी कंसर्न जो आपकी मैनेजमेंट है उसको। ये तो बात हो गई इसके मीनिंग की, अब समझते हैं रिक्वायरमेंट एंड स्किल्स फॉर ईच प्रोफाइल। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। स्किल्स की रिक्वायरमेंट किस प्रोफाइल में क्या होती है, ऑर्डर टू कैश, इसमें देखिए जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो फटाफट उसको गुड्स जो है वो डिलीवर करने होते हैं, तो इसमें टाइम जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट अगर उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो ये प्रोफाइल आपको सूट कर सकती है। प्रोक्योर टू पे, देखिए इसमें परचेज की प्लानिंग होती है और जो सप्लायर्स हैं, जो भी जिससे भी आपने परचेज करना है उससे नेगोशिएट करना होता है, अगर नेगोशिएशन स्किल्स आपको लगता है आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये प्रोफाइल आपको सूट कर सकती है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें डाटा का कलेक्शन होता है, उससे रिपोर्ट बनाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो डाटा कलेक्शन या जैसे इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग टूल्स है जैसे एक्सेल या फिर जो अदर रिपोर्टिंग टूल्स है, अगर उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और आपको प्रेजेंटेशन मेथड आपका स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है वो प्रोफाइल आपको सूट कर सकती है। ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल्स हैं इसके लिए कौन सी नॉलेज, कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें सूट करेगी। ऑर्डर टू कैश, देखिए बिजनेस का एक प्रोसेस है तो बिजनेस या प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई कोर्स किया है तो ये इस प्रोफाइल को जो है वो एड ऑन प्रोवाइड करेगा। प्रोक्योर टू पे की बात करें, इसमें परचेज की मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है तो परचेज मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो वहां इसमें आपको बेनिफिट होगा। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है बिजनेस की उसकी रिकॉर्डिंग होती है, मतलब इसमें कंप्लीट अकाउंटिंग होती है स्टार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग और फाइनली उसकी मंथ एंड रिपोर्टिंग, तो इसमें इन डेप्थ अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए और उसके साथ साथ रिपोर्टिंग करने के लिए एक्सेल जो भी या फिर जो अदर रिपोर्टिंग टूल्स हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन वर्सेस नॉन कॉमन एलिमेंट्स फॉर प्रोफाइल स्विच। अब देखिए एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में अगर स्विच करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले आपको कॉमन एलिमेंट्स जो है वो जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि ये जो प्रोफाइल आपकी करंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टू कैश से आप रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में जाना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऑर्डर टू कैश और रिकॉर्ड टू रिपोर्ट उसमें ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में एडजस्ट करने में। बट उसके साथ आपको ये पता होना चाहिए नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो उस पर अगर आप वर्क करके जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि नॉन कॉमन एलिमेंट जो है उस पर आपने वर्क किया है, तो इसलिए ये प्रोफाइल अब आपके लिए बहुत ईजी होगी हैंडल करना। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है वर्क अंडर प्री डिसाइडेड टाइमलाइन,
तीनों जो प्रोसेस है इनमें एक टाइमलाइन होती है। जैसे प्रोक्योर टू पे, एक पर्टिकुलर टाइम में परचेज करके देना है जो भी डिमांड है कंपनी की। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आप लेट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उस प्रोसेस जो है वो इफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा। ऑर्डर टू कैश, एक पर्टिकुलर टाइम में कस्टमर को जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो जाने चाहिए। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर मैनेजमेंट को मिल जानी चाहिए। तो तीनों ही प्रोसेस में टाइमलाइन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोसेस, अब देखिए जो भी प्रोसेस है उसके अलग अलग टेक्टिक्स होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो कैसे एक प्रोसेस के फ्लो को कंट्रोल किया जाए, ऐसा ना हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल 15 बंदे हैं, हर कोई पर्सन अपना अलग अलग प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो एक सेट फ्लो बनाया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। ये तीनों में अप्लाई होता है। अगर हम बात करें ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में प्रोसेस के साथ साथ एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पर भी कभी कभी फोकस किया जाता है। तीनों ही एक्टिविटी बजट या बिजनेस एनालिसिस की बात करें उसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऑर्डर टू कैश, कस्टमर से कैश मिल रहा है मतलब रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा। प्रोक्योर टू पे, इसमें अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की परचेज अगर करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो रॉ मटेरियल अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉस्ट का एक बहुत मेजर पार्ट होता है। तो अगर रॉ मटेरियल की प्लानिंग आती है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा प्रोसेस में भी ये हेल्प करेगा। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, करंट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके पास पास्ट परफॉर्मेंस का डाटा भी होता है, तो इससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है या फिर टोटल बिजनेस परफॉर्मेंस वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो तीनों ही जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं बजट में और बिजनेस को एनालाइज करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं नॉन कॉमन एलिमेंट्स की। ऑर्डर टू कैश, इसमें कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको कस्टमर से बात करनी होती है। प्रोक्योर टू पे में बात करें, इसमें आपको सप्लायर से इंटरेक्शन करना होता है, जिससे आप परचेज कर रहे हैं उस पर आपको इंटरेक्शन करना होता है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें आपको जो इंटरनल मैनेजमेंट है सिर्फ उसी से इंटरेक्शन करना होता है। ऑर्डर टू कैश में देखिए, हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पिज्जा शॉप है, बहुत हैवी वॉल्यूम्स आ सकती है, कि एक ही दिन में 15-20 कस्टमर की कॉल आ सकती है या फिर उससे भी ज्यादा। प्रोक्योर टू पे में आप डेली बेसिस पे 15-20 परचेज नहीं करते, प्रोक्योर टू पे में रिलेटिवली वॉल्यूम जो है वो लो होती है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें बेसिकली वॉल्यूम का मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है जो आपका इंटरनल प्रोसेस है उस पर कब रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग का कुछ आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं कि इस टाइम तक आपने रिपोर्ट करनी है, और कुछ रिपोर्ट होती हैं ड्यू टू बिजनेस अर्जेंसी जब भी मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है वो आपको करनी पड़ती है। तो तीनों ही प्रोसेस में ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं ये उसको अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग स्टेजेस की जॉब रोल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए ऑर्डर टू कैश है ये बेसिकली कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिकली अगर हम बात करें इसकी हाईली इंपॉर्टेंस होती है स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जैसे पिज्जा शॉप है, उनको पिज्जा बनाना है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, वहां उनकी हाई इंपॉर्टेंस है। जहां कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने उसको बनाया और फाइनली कस्टमर को सेल किया। प्रोक्योर टू पे, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्हें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो जब भी खरीदने की बात आएगी तो उसकी प्लानिंग की बात भी आएगी, तो वहां प्रोक्योर टू पे सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री हाईली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग की, बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है, बिजनेस की पोजीशन बताता है, तो ये सभी बिजनेस के लिए जानना कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी मार्केट में पोजीशन है, ये सभी बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है वो सभी इंडस्ट्री में इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। ऑर्डर टू कैश की बात करें तो इसमें प्रोसेस जो है प्री डिफाइन होता है कि किस तरह से कस्टमर का आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, किस तरीके से उसको नोटिंग करेंगे, किस तरीके से आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और फाइनली कैश कलेक्शन किस तरीके से होगा, उसका क्या मेथड होगा। प्रोक्योर टू पे, इसमें बेसिकली जो इंडिविजुअल है, जो सप्लायर से नेगोशिएट कर रहा है, जो वेंडर है, जो सप्लायर है, उससे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है। इसमें फोकस किया जाता है जो भी परचेज है, किस टाइम तक परचेज करना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, यह सारी चीजें इसमें प्लानिंग की जाती है। तो इसमें वेंडर मैनेजमेंट या फिर जो सप्लायर है उसकी मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका एक सेट रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपकी सेट होती हैं, बट ड्यू टू बिजनेस सिचुएशन ये चेंज होती रहती है, तो इसलिए हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है।
अब बात करते हैं प्रोफाइल की वेटेज की। देखिए ऑर्डर टू कैश की अगर हम बात करें, जैसा हमने बात करी थी, ये प्रोसेस ड्रिवन है, इसमें सारे स्टेप्स जो हैं पहले से डिफाइन होते हैं। तो अगर इसमें बात करें प्रोफाइल की वेटेज के हिसाब से, तो अगर एक एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट ढूंढनी हो तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते। प्रोक्योर टू पे की बात करें, इसमें इंडिविजुअल के जो स्किल्स हैं उस पर बहुत ज्यादा ये प्रोसेस रिलाई करता है, क्योंकि एक पर्सन हो सकता है कि उसके नेगोशिएशन स्किल्स ज्यादा हो, दूसरे के उतने ज्यादा ना हो। एक पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, दूसरे के ज्यादा ना हो, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कई बार वेरी करता है। तो इसलिए इंडिविजुअल की इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। और इसमें अगर परचेज जो है, कंपनी की जो परचेज है वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे अलग अलग तरह के मटेरियल खरीदने हैं, अलग अलग सप्लायर से खरीदने हैं, तो जितना ज्यादा परचेज का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना ज्यादा इंडिविजुअल जो है उसके नेगोशिएशन कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो गए, उतना ही ज्यादा उस पर्सन की उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वैल्यू होगी। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की बात करें, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है इसमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है, तो यहाँ मैटर करता है कि किस तरह की रिपोर्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। अगर एक सिंपल रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं वर्सेस अगर आप एक डिटेल रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें पूरे बिजनेस का कंट्रोल है, पूरे बिजनेस को आप मैनेज कर रहे हैं, तो वहां आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, जो स्कोप होता है जॉब रोल को एनहेंस करने का वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे अब आप अपना जॉब रोल एनहेंस करेंगे, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो इसमें बढ़ते जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो बिजनेस के किसी भी सेक्शन की हो सकती है। जब आप अपने रिपोर्टिंग के स्किल्स को बढ़ाएंगे तो वहां इसमें आपके ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने तीनों प्रोसेस, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट को डिटेल में समझा कि एक्चुअल में एक पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह से आप प्रोफाइल स्विचिंग अगर करना चाहते हैं या फिर डिसीजन लेना चाहते हैं किस प्रोफाइल में जाएं, तो आप इजिली कर पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।